हेलो दोस्तों दोस्तों आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों फाइनली हमारा चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों आज हम आपको एक फेंके हुए मोबाइल के डिब्बे से एक घर बनाना सिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे इसे मैंने कैसे बने। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन पर एक हल्का सा क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, बस इतना ही। तो चलिए दोस्तों हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले एक इस तरह का मोबाइल का डिब्बे लेना होगा। अपने घर पर इस तरह का नहीं है तो दूसरा बॉक्स ले लेना, ठीक है। उसके बाद आपको इसे अपना कैंची से ऐसे काट लेना है, बीजों बीजों में आप इसे काट ले सारे हिस्सों में। उसके बाद आपको यहाँ पर स्केल से मार्क कर लेना होगा और अपने कटर से बहुत ही अच्छे तरीके से काट लेना होगा। फिर आपको ऐसे सेम दो बना लेना होगा। तो हम एक दीवार पर एक खिड़की बना के दिखा देते हैं। तो आपको खिड़की बनाने के लिए आपको पेंसिल से एक बॉक्स बना लेना होगा और उसे अपने कटर से काट लेना होगा। फिर आप उसी बॉक्स जो बनाया था उसे निकल लेना है ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए कितना अच्छा हो गया। और आपको एक कलर लेना होगा, ये कलर आप मार्केट में 10 रुपये में अवेलेबल मिल जाता है। मैं यहाँ पर रेड कलर यूज़ करूँगा, आप बोल देना कमेंट में कौन सा कलर अगर यूज़ करते तो अच्छा होता। तो हम यहाँ पर रेड कलर यूज़ करेंगे। खिड़की का 4 वायर ऐसे लगा देंगे हम रेड कलर करके, ठीक है। तो फ्रेंड अब आपको क्या करना होगा, एक व्हाइट कलर का पेपर यानी कि व्हाइट कलर का पेपर ऐसे कलर कर लेने का। आप चाहे तो रेड कलर का आर्ट पेपर ले सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं व्हाइट कलर का आर्ट पेपर पर कलर कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद आपको ग्लू गन से आपको यहाँ पर लगा देना होगा। आपके पास अगर ग्लू गन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इसे उल्टे साइड पर ऐसे लगा देना होगा, ठीक है, उल्टे करके। तो देखिए हमारा ये खिड़की हो गया और हमने ऐसे दीवार दोनों बना लिया। फिर आपको दोनों फिर ऐसे सेम बना लेना होगा दोनों दोनों। तो हम 7 भी 2 बना लिया, ठीक है, ये हमारा 7 होगा इस तरह से। और आपको फिर एक थर्मोकोल लेना होगा और फिर आपको उस पर क्या करना होगा, थोड़ा फेविकॉल लगा लेना होगा और उसके ऊपर येलो कलर का आर्ट पेपर लगा देना होगा। फिर दोस्तों आपको दीवार का नीचे ऐसी ग्लू लगा लेना होगा। आपके पास ग्लू गन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फेविकॉल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। और ग्लू गन से अच्छा फेविकॉल ही है मेरे हिसाब से। तो आपको ऐसे ग्लू लगा लेना होगा, फिर आपको उसे यहाँ पर चिपका देना होगा। यहाँ पर लगा नहीं अच्छे से, मैं इसे लगा देता हूँ। आपको ऐसी चारों दीवार लगा लेना होगा, ठीक है। और दोस्तों एक फ्रेंड ने क्या करता है ना, मेरा वीडियो देखता है और डिसलाइक करके जाते हैं। भाई किस लिए डिसलाइक करते हो, वो भी तो बोलो ताकि मैं मेरा आने वाले वीडियो पर उस गलती को सुधार पाऊँ, ठीक है। ऐसे बोल दिया करो क्या कमी है वीडियो पर, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। फिर आपको यहाँ पर ग्लू लगा देना होगा दोस्तों, और आपको इसे यहाँ पर लगा देना होगा। फिर आपको एक छोटा सा कार्डबोर्ड पर ऐसे ग्लू लगाना होगा यानी कि फेविकॉल। फिर आपको इसे यहाँ पर लगा देना होगा ताकि ये ज़्यादा हिले मत। फिर आपको यहाँ पर थोड़ा ग्लू और यहाँ पर थोड़ा ग्लू लगाना होगा दोनों साइड में। फिर हमने जो 7 बनाया था उसे आपको यहाँ पर लगा देना होगा, ठीक है, दोनों साइड में, आप जानती है ये। ग्लूगन ना थोड़ा परेशानी करता है। तो हमने लगा लिया। तो आपको और एक ऐसे ब्लू कलर का ऐसे कट लेना होगा और आपको यहाँ पर ग्लू लगा लेना होगा। ये मोबाइल का डिब्बे से बनाया, ठीक ना। फिर आपको एक ऐसे छोटे से 7 बनाना होगा और यहाँ पर ग्लू। फिर आपको एक ऐसे यहाँ पर छोटे से बनाकर चिपका देना होगा। फिर हम यहाँ पर एक खिड़की बनाएंगे रेड कलर से। आप कमेंट में बोल देना कौन सा कलर यूज़ करते तो अच्छा होता, बोल दिया करो भाई। तो हमने बना लिया इसे
और अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर चिपका दिया। देखिए तो दोस्तों, फिर आपको एक ऐसे यहाँ पर बना लेना होगा और आपको यहाँ पर चिपका देना होगा। फिर आपको एक रेड कलर का पेपर यानी कि कलर कर देना, उसे यहाँ पर चिपका देना। फिर हम यहाँ पर अच्छा नहीं दिखता तो ऐसे लगा देते हैं। तो दोस्तों, सीढ़ी बनाने के लिए एक थर्मोकोल ऐसे कट लेना होगा और येलो कलर का पेपर उस पर लगा देना होगा और आपको इसे यहाँ पर चिपका देना होगा फेविकोल लगाकर। आपको शायद ये कलर अच्छा नहीं लगा तो हम यहाँ पर ब्लू कलर कर देंगे। तो दोस्तों, फाइनली बहुत ही मेहनत के बाद हमारा घर बन चुका है। दोस्तों, इसी वीडियो को बनाते वक्त ना 9 दिन लग गया। दोस्तों, बहुत ही मेहनत होता है वीडियो बनाते वक्त। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। एक भी वीडियो मेरा अभी तक वायरल नहीं हुआ, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पर, अब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।